इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के लिए, और हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा। इस लाइक को भी दबाएं हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ। ये देख सकते हैं, ये पूरे 7.5 का हैगा और उंगली से नाप के दिखाया था कोर कितनी अंदाज है इसकी। यहाँ पे 1.5 के करीब आ रही है, बोल्ट के नीचे 2 होती है, तो आपको बोल्ट के बिल्कुल ऊपर और इस बोल्ट के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच के अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कितनी होगी। तो ऊपर से 2 इंच दिखा रहा है, दोनों तरफ 2-2 इंच है और लास्ट में 1-1 मान लो तो ये हो गया 6, तो पूरा 7.5 का है। तो इसको हम खोल के चेक करते हैं क्योंकि ये चूहे में घुस के सब चीज़ काट दी इसकी। ये देखिए, इसकी पंखड़ी वंखड़ी आर्मेचर की सब कट गई है। तो इसकी फील्ड हम चेक करेंगे, इसकी बरीक वाली नहीं बोल रही, किस वजह से नहीं बोल रही, तो क्या फॉल्ट है, इसको हम खोल के आपको चेक कराते हैं और इसके क्या क्या स्टेप बाई स्टेप आपको बताते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें, हमने इसका आर्मेचर निकाल लिया है। आर्मेचर निकालने के बाद अब इसका हम, ये देखें, इसका ढक्कन हो गया बाहर। तो इसका हम फील्ड चेक करेंगे कनेक्शन खोल के कि किस तरीके कनेक्शन है और किस तरीके इसमें जोड़ लगे हुए हैं और किस वजह से हमारी जो बारीक फील्ड है बोल नहीं रही। तो आप देख सकते हैं, इसके हम कनेक्शन खोल लेते हैं और कनेक्शन खोलने के बाद इसमें हम आपको दिखाते हैं फिर। ये देखें, आर्मेचर तो हमें सही लग रहा है, इसकी फिर इसकी जो इंची है यही गल गई है, चूहे ने खा ली है। तो देखें, आर्मेचर का तो कहीं से तार नहीं कट रहा है। तो इसी आर्मेचर में हम पंखा डाल के और बैरिंग चेक करेंगे, बैरिंग सही है क्या। पंखा डालेंगे, बैरिंग खराब होगा तो बैरिंग डालेंगे और इसको इसी तरीके से हम फिट कर देंगे। तो ये देखें, इसके कनेक्शन हमने खोल लिए हैं, वो आप चेक कर सकते हो हर बार में कि कौन सी चीज़ किस तरीके से खुली है। आप हर बार कनेक्शन पूछते से होंगे तो कनेक्शन किसी चीज़ के भी आप खोल के चेक कर सकते हैं, पूरे ख़राब होने के बाद भी हमें देखते हैं। तो देखें, 1-3 ही है, कनेक्शन सही हो रहे हैं और इसके हम जॉइंट खोल लेते हैं, किसी के जॉइंट ख़राब तो नहीं हो रहा, और देखते हैं कॉपर है या एल्युमिनियम। तो ये देखे दोस्तों, जिसके जॉइंट हमने खोल लिए हैं और इसके जॉइंट जो हैं एल्युमिनियम के हैं, तो इसका मतलब फील्ड भी एल्युमिनियम की है हमारी, इसी वजह से ये काम नहीं कर रही। तो हम देखते हैं फील्ड जली है या और कुछ फॉल्ट है, क्या फॉल्ट हो सकता है। तो ये देखिए, ये भी एल्युमिनियम का है, ये जोड़ जो कॉटन टेप लिपटा हुआ बढ़िया था और जो बिना कॉटन टेप लिपटा हुआ है, ये देखिए किस क्या हालत हो चुकी है इसकी, इसमें पानी जाकर जस्ट सड़ चुका है। तो आप समझ गए होंगे, जब हम एल्युमिनियम का तार होता है और उसमें पानी जाने के बाद वो तार बिल्कुल गल जाता है तो बिल्कुल भी ही काम नहीं करता। और हम सोचते हैं कि हमारी कंटिन्यूटी से सही बोल रही है, देखें तार बिल्कुल गला पड़ा पर हमारी मोटी सही बोल रही थी। तो आप देख सकते हैं, ये जॉइंट बिल्कुल बढ़िया है और हम और जॉइंट खोलते हैं, उनकी देखते हैं क्या क्या है। जिसका बरीक वाला है, इसमें भी कार्बन लग रहा है, आप देखें गौर से, तो यही है इसमें, जो इन्हें थोड़ी सी हवा लगेगी, मॉइस्चर आएगा तो एल्युमिनियम गल जाएगा और कुछ टाइम बाद हमारा करंट छोड़ता रहेगा। फिर हम सोचेंगे कि करंट गया तो गया कहाँ, और कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके बोलती है, इस चीज़ का आप ध्यान दें, क्योंकि हमारी फील्ड सही बोलेगी पर करंट नहीं देगा। इस वजह से जोड़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, उन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट और
ढक के रखना चाहिए जिससे कि उसमें हवा ना जाए। तो दोस्तों देखिए, हमने इसकी एक फील्ड खोली है जो काम नहीं कर रही, और फील्ड खोलने के बाद हमने पोल पे लगा कर देखिए, देखिए कितने इंच है, तो 6 इंच है। आप देख सकते हैं ये पोल है इसका, ये 6 इंच और आर्मेचर भी 6 इंच से बड़ा है, तो इसमें कुछ चेंजिंग हुई होगी, इस वजह से किसी ने कुछ का कुछ डाल रखा है इसमें। तो हमने इसकी चारों फील्ड खोल ली, चारों फील्ड में से एक फील्ड ख़राब थी जो बीच बीच में से गल जाती है पानी वानी जाने से, तो उसको हमने सही कर दी। तो ये देखें, इस अल्टरनेटर में पोल अलग अलग हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पर ये फिर भी काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्मेचर बड़ा है 6.5 का, और पोल छोटे हैं, और कोई कोई पोल उससे भी छोटा है, तो इसमें चेंजिंग है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें अंतर है। तो इसको अब हम फिट करते हैं, और फिट करके कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं कि ये चलता है नहीं चलता। इसकी फील्ड में पानी गया हुआ था, उस वजह से काम नहीं कर रही थी, और हमने वहाँ अंदर ले आके जॉइंट कर दिया। ज़्यादातर जॉइंट चलता नहीं है, फिर भी उस तरीके से आप जॉइंट करें कि जो अच्छी तरीके से ये कामयाब हो सके। तो देखें, जो मैंने जॉइंट करा उन पर कॉटन टेप लपेट दी अच्छी तरीके से, और उसके बाद वार्निश कर दूँगा जिससे कि हवा जाने की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं फील्ड मेरी अब चारों पोल ली है, क्योंकि मैंने एक फील्ड की वीडियो बना चुका हूँ काफ़ी, तो उसमें आप देख सकते हैं फील्ड को कैसे तैयार करा जाती है। तो देखिए, मैंने कॉटन टेप लपेट दी अच्छी तरीके से, जिससे कि हमारी जो जोड़ है एल्युमिनियम के, वो अच्छी तरीके से लीकेज ना मारे, और कहीं से भी उसमें मॉइस्चर ना जाए। अब सुबह हम वार्निश कर देंगे तो ये बिल्कुल भी हमारा सील टाइट हो जाएगा, और उसमें आप टाका भी लगा सकते हो, एल्युमिनियम का पेस्ट आता है उससे टाका लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखें, हमने पूरा फिट कर दिया, आर्मेचर पंखा वंखा डाल के, और इसको हम चला के दिखाएंगे आपको। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में छोटी सी वीडियो करते हैं हम, और उसमें आपको चला के दिखाएंगे किस कैसे करंट बना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखें, इसका पंखा वंखा सब डाल दिया, बिल्कुल साफ़ सफाई कर दिया, और पोल भी आप चेक कर सकते हैं, 2 इंची वाला बीच का पोल है, ये देखें बीच की दूरी दोनों बोल्टों की 2 इंची है, तो ये 7.5 का है। ठीक है जी, तो इसे कनेक्शन कर लेते हैं, ये हमने कनेक्शन कर लिया ऊपर के। ठीक है दोस्तों, जो हमें इसका करना ही मतलब बनाएगा, तो हम बारीक वाले आमने सामने चेंज कर देंगे। इसका हम बॉक्स लगाए थे, साइड प्लेट लगा के फिट करके फिर आपको चला के दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने धन्यवाद। इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहेगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।